ग्लॉकोमा। इस बीमारी को काला मोतिया कहते हैं। इसका मतलब मोतियाबिंद काला होना नहीं है, यह नज़र का चोर है, इसलिए इसे काला मोतिया कहा जाता है। इस बीमारी में आंख के अंदर दबाव बढ़ने की वजह से नज़र कम हो जाती है। आंख का नॉर्मल दबाव 22 मिलीमीटर मर्करी या उससे कम होना चाहिए। आंख का दबाव जितना बढ़ेगा उतनी आंख की रोशनी कम होती चली जाएगी। काला मोतिया का कारण पता नहीं है, पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर हैं, जैसे मधुमेह, रक्तचाप का बढ़ जाना, आंख में चोट लगना, चश्मे का नंबर होना, परिवार में अन्य सदस्यों को काला मोतिया होना, 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र, स्टेरॉइड्स जैसी दवाई का इस्तेमाल करना, मोतियाबिंद अधिक पक जाना इत्यादि। अधिकतर इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। अक्सर काला मोतिया रूटीन एग्जामिनेशन पर डायग्नोज होता है, या फिर जब नज़र पर अधिक प्रभाव हो चुका होता है तब यह सामने आता है। इस बीमारी के कुछ लक्षण हो सकते हैं: धुंधला दिखना, आँख या सर में दर्द होना, आँख लाल होना, धीरे धीरे आँख की रोशनी कम होना। काला मोतिया में ऑप्टिक नर्व, जो कि आँख को दिमाग से जोड़ती है, उस पे नुकसान होने के कारण रोशनी कम हो जाती है। सामान्य व्यक्ति जिनकी चारों ओर की रोशनी सही होती है उनकी नज़र ऐसी होती है। काला मोतिया होने पर चारों ओर की रोशनी घटती चली जाती है और अंत में समय पर उपचार ना करने से पूरी रोशनी जाने की संभावना होती है। काला मोतिया की जांच पड़ताल: आंख का दबाव नापना। इसके लिए टोनोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट आंख की काली पुतली के संपर्क में आकर दबाव को जांचता है। ऑप्टिक नर्व की जांच अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्पेशल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे काला मोतिया की वजह से ऑप्टिक नर्व में आए हुए बदलाव का पता चलता है। नॉर्मल ऑप्टिक नर्व का रंग पिंक होता है। काला मोतिया होने पर जो डिस्क है वह सफ़ेद हो जाती है। गोनियोस्कोपी एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम आँख के अंदर का पानी जाने के रास्ते की जांच करते हैं और यह पता करते हैं कि वो रास्ता खुला है या नहीं। इससे ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विजुअल फील्ड की जांच: इस टेस्ट के द्वारा हमें चारों ओर की रोशनी के बारे में पता चलता है। इस टेस्ट के लिए हम्फ्री विजुअल फील्ड एनालाइजर स्टैंडर्ड मशीन है। इस टेस्ट में लाइट फ्लैश होंगे और उनको पहचान के मरीज को बटन दबाना होगा। नॉर्मल विजुअल फील्ड रिपोर्ट ऐसी होती है जहाँ चारों ओर की रोशनी सही है। बीमारी बढ़ने के साथ रोशनी भी कम होती चली जाती है और लास्ट स्टेज में पूरा अंधापन आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें ऊपर के हिस्से की रोशनी चली गई है और अंत में 90% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर भी सेंटर की नज़र ठीक है, इसलिए मरीज़ को बीमारी का पता नहीं चल पाता है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी: इस जांच से हमें ऑप्टिक नर्व की मोटाई का पता चलता है। जितनी ज़्यादा पतली नस, उतनी रोशनी में कमी होगी। इस टेस्ट में ऑप्टिक नर्व का फोटो खींचा जाता है। यह एक नॉर्मल स्कैन है जिसको हरे रंग से दिखाया जाता है और यह एक डैमेज हुई नस का स्कैन है जिसे लाल और पीले रंग से दिखाते हैं। काली पुतली की मोटाई की जांच आंख के दबाव को सही मात्रा में समझने के लिए ज़रूरी है। हमारे हॉस्पिटल में एल्कॉन अल्ट्रासाउंड पैकीमेट्री और पेंटाकैम का इस्तेमाल करते हैं। काला मोतिया का इलाज: आंख के दबाव को कम करके नुकसान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम आई ड्रॉप्स के माध्यम से बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश होती है।
आई ड्रॉप्स को जिंदगी भर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आई ड्रॉप से दबाव कंट्रोल नहीं हुआ तो याग लेजर या शल्य चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका इलाज सारी जिंदगी चलता है। इस बीमारी से जो रोशनी जा चुकी है वह वापस नहीं आती। नुकसान को बढ़ने से रोकने के उपाय कर सकते हैं। क्योंकि यह बीमारी बढ़ सकती है, इलाज शुरू करने के बाद भी डॉक्टर के बताए अनुसार रेगुलर चेकअप और सही वक्त पे जांच कराना ज़रूरी है। धन्यवाद। आँखों के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.aedi.in पर संपर्क कर सकते हैं या फेसबुक पे आहूजा आई डेंटल इंस्टीट्यूट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।